नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों, SPG 02 व्लॉग वीडियो में गणमान्य स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों बाद रे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कई भाई सेनारा ओलबा भी आया कि आप कमेंट नहीं पढ़ रही हो। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद रे मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में जागनो ही और प्रोग्राम हाँ, तो वीडियो नहीं बना सकिया और आपका कमेंट नहीं पढ़ सकिया, इन बात को बहुत बड़ो खेद है। तो आज आपने पहला तो बहुत ही सुंदर एक बात सुनावो, उन्हें बाद रे मैं आज आपका कमेंट जरूर पढ़ोला, क्योंकि बहुत दिन वे गया और कमेंट नहीं पढ़िया, हाँ एक कमजोरी है। तो आज आपने कमेंट भी पढ़न सुना वाला और उन्होंने पहला एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बात भी सुना वाला। तो बात है जो कि बहुत ही पुराने टाइम की बात है, बाल विवाह घना होता। तो एक ही गांव में बाल विवाह हुआ, लड़की तो ही 8 साल री और लड़को हो 16 साल, यानी लड़कियों लड़के री उम्र दुगनी ही। तो बरो ब्याह वे गयो और वो लड़को आप रे जो गांव रे में पढ़ाई किया करतो, पढ़ाई करतो 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 जिन समय में वह लड़की 13-14 साल री हो जावे और उन समय में लड़को भी 21-22 साल रह जावे। तो उन लड़की रो मुकलावो करवायो एंड उन्हीं टाइम रे में उन लड़की री सासू है जगी जाती रे, यानी लड़के री माँ खत्म हो जाए। तो वो लड़के रो पिता दूसरो ब्याह करने सारू अटी अटी आप रो जो प्रयास करे और घर रे में थोड़ो लड़ाई झगड़े रे कारण लड़को काम धंधो करने वास्ते आप रे जो बारे प्रदेश और लड़के री वाह स्त्री ही पत्नी ही वह आपरे पीर जाती रहे और आपरी एक बूढ़ी मारे हाथे वह रहे। अब वो लड़को 12 महीना होया, 2 साल होया, 3 साल होया, 4 साल होया, 5 साल होया, आप जन न तो घरे कोई कागज भेजियो और न वो लड़को पासो घरे आयो। बहुत दिन वर्तमान बीत गया, कोई समाचारी आयो अटने 12-12 साल बीत गया और आ लड़की आपरे मारे हाथे रहे और इन लड़की री उम्र ही 25-26 साल। एक दिन इन लड़की मन रे मो विचार कियो, कदी पति देवरा हमा सारी नहीं पूछिया, परदेश सो कई लोग जावे है, कई लोग परदेशों आवे है, क्यों नहीं वो ने पूछना सही जे मारे पति देवरा हमा सार। तो जटे समुद्री किनारो हो और समुद्र किनारे उन्नो गांव हो और वह लड़की उन समुद्र किनारे जावे, समुद्र किनारे जान कोई भी यात्री आवे जावे और उन यात्रियों ने पूछे कि भाई मारे पति देव आपने मिलिया कि नहीं किया, मारे पति देव नाम लखन लाल है, लखन लखन करता और नाम लखन लाल, आप जानो कि नहीं जानो, कटे आपने मिलिया कि नहीं मिलिया। आ लड़की रोज है जो को आपरे पति देव हमासार पूछे, लेकिन कई लोग कहता बहन मोन मिलिया तो नहीं है, अब की बार मैं करो जा वो नहीं तो मैं पतो लगा ना हो और थने पास आन हमासार जरूर जा। पा हर कोई आदमी ने आई बात पूछे लेकिन उन्हें कोई प्रकार हमासार मिलिया को नहीं और न कोई हमासार देव नाल उन्हें मिलो। यो करते करते 12 महीना 2 साल बीत गया। एक दिन एक माल मोटियार आदमी समुद्र तट में नाव रे में नीचे उतरियो, आ लड़की मिली और लड़की आ बात पूछी कि हमारे पति देव आपने मिलिया कि नहीं मिलिया, लखनलाल नाम है, आप भी बारे प्रदेश कमावने वास्ते जाओ और मारे पति देव बारे कमावने गेड़ा वर्ष घना हुआ, हाल तक
वे न तो पासा आया न कोई बरो हमासार आयो न कोई कागज आयो। तो आप वर हमासार लाया? क्यों नहीं बेटी, मैं जो हमासार नहीं लायो, पर अब की बार मैं जाऊं नहीं, जनो मैं जरूर आपरे पति रे समासार लेना। वो कोई बुढ़ो आदमी हो और बारे कार्य करतो, व्यापार वास्ते बारे जावतो, और उन लड़की ने भरोसा दियो, और उन लड़की री गुआवरे मो हमासार बातों फूकी। लड़की तो गैर मर्दारे हाथे बातों करे, पड़ी फिरे समुद्र किनारे। अब लड़की रे अंतर आत्मा री ब्रेन ने कौन जाने, गुआवरे मो कई प्रकार की बातों ओंडूगी, जनो उन लड़की उन समुद्र किनारे जावनो आन को। अब अटिने एक साल भर बीतो और 12 महीना बाद में एक बुढ़ो आदमी वही उन समुद्र किनारे पास वो प्रदेश जान आयो, और अटी अटी जो वे तो वह लड़की दिखाई नहीं। गांव रे में पूछनो हुरु कियो इन इन प्रकार की लड़की है, और वह लड़की अटे पहला रोज आवती नमके में देखी, इन्हें बता दी कहो भाई ये वो हम लोग घर है, देखो आप क्या वो उन्हीं लड़की रो घर है। वह लड़की रोज है देखो पानी के किनारे उठे फिरती सामना गया। वो आदमी घरे गयो और लड़की ने कहो बेटी तू समुद्र किनारे पहला तो रोज आवती नमके आई कुल के बस आई कुल, तो मैं थारे पति रो संदेश लेना है वो हमारे साथ लेना है। मारे पति देव कटे आपने मिलिया, आप बात हुई, वे सुरक्षित तो है, पर कोई तकलीफ तो कोनी? क्यों नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं है, जटे है उठे सुरक्षित है, पर वे एड़ी जगह माते है, पासा आवना बहुत बड़ी मुश्किल बात। उन लड़की पूछियो आखिर मारे पतिदेव है तो ही है कटे? कहो 12 साल पहला री बात है, 12-13-14 साल हो गया, परदेशों कोई एक जाज आवती और सीनी कोई लुटे रहा, वे जाज रे आडा भरिया और उन जाज ने उन्हें देखो लूट, जाज ने उन लूट ली, और जका भी 20-30 आदमी हाते हा कि युवा हा कि ऊपर समुद्र बीच रे में एक टापू है, और उन पूरे माते वे लुटे वे उन लुटे रह रहे। आपरो पति भी है और भी कई लोग उठे है, पर इन्हें बाबत कई लोगों रिश्वत भी दीनी, वे गुंडा मावादी है, रिश्वत तो ले ले, पर उना आदमियों ने जो छोड़े उन लोगों ने वे छोड़ नहीं दिया, आदमियों ने जो पानी की मोहर है वे दावज कर जानो लोगों ने वे छोड़ नहीं दिया। किताग लोग उठे जावे, पानी की मोहर है वे दावज कर जानो आत्मी है, लुटे रहो अड्डो है, उठे जावे पेमेंट को ने लूट ले दुख देवे, लुटे रहो अड्डो है बहुत बड़ा परेशान करे, पेमेंट को ने लूट ले दुख देवे, जा नहीं सके कहीं बहुत बड़ा परेशान करे। अब उठे कोई जान न कने कुछ पैसा हा, अब और उन्हें पूछियो बूढ़े आदमी ने वे कितना रुपया ले जनो छोड़ी, मैं फलाने फलाने जाज सही जे तू जावे ही दूर एक मारे फलाने जगह जानो मारे पति देव आई मारे एक जाज सही जे तो जाज सही जे तू जावे ही दूर एक मारे फलाने जगह जानो मारे पति देव कोई लुटेर और गिरफ्त में है, और मारे पति ने रिया करा उठो छोड़ावना है, इन वास्ते मैं अठू जाऊं। कहो बेटी तू जाज लेन जावे मना तो है कोनी, पर थोके पति ने छोड़ा मन जाऊं, पति ने तू छोड़ा नहीं सके क्योंकि वे रुपया तो खा जावे पण जो कौन मिन को ने छोड़े कौन। कहो अब मैं जाऊं, आप रुपया ले लो और मने जो जावण दो जाज। उन सेठ एक जाज दे दी, माँ और बेटी दोनों सीधी उन टापुरे कने गई। उन समय में जो को वो गुंडो हो वे माओवादी हा, और एक मुख्य आदमी हो, वो मुख्य आदमी बारे आयो और एक स्त्री ने और एक स्त्री की बेटी माँ बेटी दोनों ने देखी, और वो मन में विचार देखने डुको इन टापुर में तो अन्य कोई डर है ही नहीं, एक लिए आ गई
और जको वो सरदार हो उन लुटेरों उनको आप कौन हो और क्यों आई? कहो मैं फलाने फलाने गांव आई हूँ और मारा पति है जका आप रहे बंदी गृह में बंद है। ये बेटी उन्हीं औतर में लागो उन लुटेरे ने सरदार ने दिया आई कि इन्हें कोई डर ही नहीं, थोने कोई डर ही नहीं हो इन बात रो थे जको सीधी अठे आएगी। मैं थारे पति ने पकड़न बंद कर दियो है तो थोने भी बंद कर सको। उन समय में लड़की कहो मैं मन रे मो बात धारण करना ही, या तो मारे पति ने मैं छोड़ा लाऊं और या पसे मैं मारे पति की जगह मैं ही उठे बंदी गृह में बंद हूँ, मैं तेवड़ नहीं हूँ अने मरना है, मैंने जीवती रहनो नहीं है। उन समय में उन लुटेर सरदार ने बहुत बड़ी दया आई कि थारे पति ने तो ओढ़ के कि मैं ओढ़कू तो नहीं पर देखू तो मैं ओढ़क लू, हेलाउन निशौन तो मैं कहीं बता नहीं सकूँ पर मैं देखू नहीं तो मैं जरूर पैसा। तो 20-30 आदमी आ कई बुजुर्ग आ कई मैंने युवा भी हा पण सब नहीं बाहर निकलिया पर कह इन्हें मैं थारे पति कोने ओळखो वाह में जोवती रहेगी पर उन्हें ठाई नहीं मारो पति कोने क्योंकि उन आतने 15-15 साल बीत गया और अब तो कोई बूढ़ा हो चुका है घनी पर उम्र 30 साल री गई तो वे 50-60 साल रहा भेजा देखता क्योंकि खान पीन में बहुत बड़ा दुखी आ और कनु कौम घणो करावता और वो लुटेरों ने जो आप बंदी गृह में बंद कर दिया और वहां में देखती रही और लुटेरा सरदार कहो की कर ओड़खोण में आयो के ओड़खोण में तो आवे को नहीं पर मैं आवाज लगाऊ लखन लाल नाम वे जो आदमी एण में वे तो बारे आवे आगे आवे। तो एक लखन लाल नाम रो आदमी हो वो बारे आयो 30 साल री उम्र ही और वो 8 साल रे वेजड़ो दिखे उन्हें हालत बहुत खराब ही बारे आने खड़ो रही हो और उन स्त्री के वाक्य में मारा पति तो पति पत्नी दोनों आखिर में पौनी आई। अब उन सरदार कहो आवे जो को इन्हें मैं छोड़ दे कोई बात नहीं कहो ए रुपया दू बे 7,000 रुपया दिया मैं छोड़ा वन आई मारे पति ने और मैं रुपया लेना आई हूँ ए रुपया ले दो कह नहीं नहीं ए रुपया जो को थोड़ा तो हिम्मत करना आई है थे मार माते विश्वास कियो पर पहला तो आप बात कर थे माते विश्वास किकर कियो कहो मैं आपने भगवान जाड़िया और आप रे मो मैं भगवान री मूर्ति देखी इन वास्ते मैं विश्वास कर लियो और मैं तेवड़ नाई या तो मैं ही उन बंदी गृह में बंद हो जाऊं या पस मैं मारे पति ने छोड़ा घरे लाऊं मैं नीचे करी उड़ो मारे इन वास्ते मैं अटे आई थी। उन टाइम रे मो उन लुटेर और सरदार कहो मैं रुपये नहीं लूं और आप पति ने थूतारे ले जाओ कहो नहीं मैं रुपया तो देऊ जद उन हम लुटेरे कहो कि तू मार कनु मांगे जो कोई मैं थाने दे दू पर थार कनु मैं लू मांगे जो कोई अगर मने देता वो तो थोड़े हेट बंदी गृह में जिता बंद है नहीं मारे पति देव रे हाथ हाथे हार वे साथी हार सबो नहीं है जो कोई छोड़ तो उन सरदार सबो नहीं छोड़ दिया और वह स्त्री जो आप रे मन रे जो को आत्म शक्ति हूं भगवान रे विश्वास हूं आप रे पति नहीं को नहीं सबो नहीं छोड़ा एन वाय जो घरे देखो जिनो आत्मविश्वास बड़ो वे और वह कुछ भी कार्य कर सके लेकिन जिनो विश्वास कमजोर वे वह कुछ भी नहीं कर सके। स्त्री इतना ही दिन पति रे इंतजार में बैठी रही आखिर उन मन रे मोट ठानी ली कि मैं मारे पति ने छोड़ा जरूर घर ले जाऊं। तो वाक्य में आप रे पति ने छोड़ाया और वे पति पत्नी और उन लड़की री बूढ़ी माँ पासा आप रे गाँव आया और बड़ी अच्छी तरह वे रेवन लगा और खाया पिया राज। दोस्तों बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत ही सुंदर और अच्छी ज्ञानवर्धक बात है। तो आपने कैडिक लागी आप वीडियो लाइक कर दीजो। अब बारी है आप रे प्यारा प्यारा कमेंटरी तो मैं आपने आपका कमेंट पढ़ और आपने सुनाऊ आप जरूर सुन। तो आपके ही भाई सन कमेंट भी आयोड़ा है अंजा जी प्रजापति हाल अहमदाबाद बहुत ज्यादा ओढ़बा दिया कहो आप कमेंट कौन पढ़ो। तो अंजा जी आज आप रो कमेंट पढ़ लियो क्योंकि कोई कारणवश वीडियो नहीं बना पाया इन वास्ते पुराना वीडियो आज जगह अपलोड कर दिया और कमेंट नहीं पढ़ सकया। और भी कमेंट आयोडो है माधुदान जी सारण
हलोदी, घनश्याम जी बाटी और कमेंट आवड़ो बुद्धाराम जी चौधरी, फिर भी गणपत लाल जी, राणा राम जी प्रजापत बामणी और भी कमेंट आयोडो है महेंद्र सिंह जी, रूपा राम जी, मांगी लाल जी जोधपुर। तो आप तमाम भाईसणों ने हरिओम, जय महादेव जी। तो आज जो कमेंट हाँ वे मैं पढ़ लिया, और इन वीडियो में आप ज़्यादा कमेंट भी कर जो। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ और बहुत ही अच्छा वीडियो बना वाला, तो आप प्यार जरूर दे जो। चैनल माते पहली बार आयो, चैनल सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। मिला ला पास अगले दिन, जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव।